नमस्कार दोस्तों मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर राजीव वी केयर वी शेयर में आज हम एक गंभीर टॉपिक के बारे में बात करेंगे सुसाइड या आत्महत्या जिसको हम कहते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से ऐसे लोग होते हैं या पेशेंट्स होते हैं या बीमारियां होती हैं जिसमें इसका रिस्क बढ़ जाता है और इसके लिए हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं जानने के लिए या कैसे मदद कर सकते हैं तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को आ, मदद करने के लिए हमें उसे समझना पड़ता है तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं या जो कारण बनते हैं सुसाइड के उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक रिस्क फैक्टर होता है एज अक्सर ये देखा गया है कि जो सुसाइड है वो 45 साल या उसके बाद जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कंपेयर टू उससे पहले जैसे जवानी में हर कोई जो है एनर्जेटिक फील करता है फ्रेश फील करता है अपने सपनों के बारे में पॉजिटिव होता है और अगर वो फोर्टी फोर्टी तक भी उन चीज़ों को नहीं कर पाता तो डेफ़िनेटली वो रिस्क बढ़ जाता है और कुछ मेंटल एनालिसिस भी हैं जो इस रिस्क को फर्दर और बढ़ा देती हैं और ऐसा नहीं है कि बाकी एजेस में सुसाइड का रिस्क नहीं होता बल्कि ओल्ड एज में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो टेन परसेंट है बट उस एज ग्रुप में जो नंबर ऑफ सुसाइड है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड लोग होते हैं बिकॉज वो मेडिकली थोड़ा इल होते हैं ऑलरेडी या फ्रजाइल होते हैं मेडिकली तो अगर वो अटैम्प्ट करते हैं तो एक्चुअली वो सीरियस हो जाती है चाहे वो हाफ हार्टेड अटैम्प्ट सिमिलरली जो टीन ग्रुप है उसमें जो हमारी बुक कहती है वो ये कहती है कि आफ्टर Accidents and uh, murders, the third commonest uh, cause of death in developing countries is basically suicide. So, it is an important thing. like you have you have seen a lot of results, and suddenly you hear that somebody committed suicide and all those things. And shockingly, I have seen in a few I have result, in the news that they attempt suicide. So, this is age. But the most important risk factor is actually when somebody is around 40 50s, that is a time. सेकेंड थिंग इज सेक्स सेक्स के हिसाब से मेल्स में एक्चुअली जो रिस्क है वो कहीं ज़्यादा है कम्पेयर टू फीमेल्स फीमेल्स की नंबर ऑफ अटैम्प्टो तो चार गुना मेल्स से ज़्यादा होती हैं बट जो एक्चुअल डेथ रेट है वो मेल्स में ज़्यादा होता है अगर इसको सरल भाषा में समझाना हो कि फ़ीमेल्स कोशिश तो बहुत बार करती हैं बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि मेजोरिटी ऑफ़ द टाइम वो हाफ हार्टेड ही होती है जब जो एक्चुअली जो मेल्स होते हैं उनका जो तो सुसाइड करने का तरीका है वो ज़्यादा वायलेंट होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अल्कोहल या बाकी मेंटल इलनेस का भी पार्ट होता है तो उसमें वेन ए मेल सेज दैट इज एक्चुअली वॉन्टेड वी हैव टू बी सीरियस इन बोथ द कंडीशन बट एक्चुअली इट इज मेल एक्चुअली इज अ मोर रिस्क फैक्टर फॉर कमिटिंग सुसाइड मेल है एज है देन मैरिज मैरिज के बारे में यूजअली काफ़ी जोक्स बनते हैं कि लाइफ हेल हो गई दिस एन दैट बट एक्चुअली मैरिज इज ए प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर सुसाइड क्योंकि जब भी ज़िंदगी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो चीज़ें हमें निभानी हैं तो अगर वो चीज़ें हमारे सामने हैं तो हम ज़्यादा जिम्मेवारी से बिहेव करते हैं जैसे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा वर्ल्ड वॉर टू में ये देखा गया था इंग्लैंड में कि जब शिप टूट जाते हैं नेवी के किसी भी वजह से और लाइफ बोट पे लोग आ जाते हैं तो उनका सर्वाइवल रेट कहीं ज़्यादा था जो 40-50 साल की उम्र थे कंपेयर टू जो लोग 19-20 या 25 साल के आसपास थे जो लोग अनमेरिड थे बिकॉज जो 40-50 साल वाले थे डेफिनेटली उनकी हेल्थ उनको मैच नहीं करती थी तो 20-25 साल वाले थे बट जो 40-50 साल वाले थे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझते थे अपने आप को बिकॉज उनको वापस जाके अपनी फैमिली से मिलना था कुछ काम करने थे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी तो उनका सर्वाइवल रेट और या उनकी ज़िंदगी का पर्पज थो जो है वो कहीं बड़ा था तो इसीलिए जो मैरिज होती है फ़ीमेल्स के लिए तो एक्चुअली ये बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होता है बिकॉज जो फीमेल्स हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होती हैं तो कई बार पेशेंट जब सिवियर डिप्रेशन में भी होता है और उसके मन में मरने के ख्याल भी आते हैं फिर भी वो अपने बच्चों को देख के रुक जाते हैं देन सेकेंड थिंग इज इसे अपोजिट जो है अगर कोई डाइवोस है सिंगल है सेपरेटेड है तो उसमें रिस्क फैक्टर डेफिनेटली बढ़ जाएगा उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है एम्प्लॉयमेंट जैसे जब भी कोई ऐसा नुकसान होता जैसे है तो suicide, जैसे एम्प्लॉयमेंट लॉस होते हैं तो डेफिनेटली सुसाइड एज ऐसे सोसाइटी बढ़ जाते हैं तो ये देखा गया है कि जो लोगों के पास जॉब नहीं होती तो उनमें जो सुसाइड रेट है वो तीन गुना ज़्यादा होता है या आत्महत्या करने के विचार ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन और उसके बाद रिलीजियस थाट्स स्ट्रॉन्ग क्योंकि जितने भी हैं वो आत्महत्या को गलत ठहराते हैं तो अगर स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ हैं वो भी हमें कुछ हद तक प्रोटेक्ट करते हैं इस तरह का काम करने से उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है मेंटल इल्सेज या मानसिक बीमारियाँ मानसिक बीमारियों में ये देखा गया है कि जितने भी लोग सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं उसमें से 95 परसेंट को कोई ना कोई मानसिक बीमारी ज़रूर होती है और उन मानसिक बीमारी में मेन तीन चीज़ें आती हैं सबसे पहले डिप्रेशन क्योंकि अस्सी प्रतिशत लोग जो एक्चुअली सुसाइड कमिट करते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और उसमें से अराउंड टेन परसेंट जो हैं, वो वोजोफ्रेनिक्स होते हैं जहाँ इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता या कुछ हद तक पागलपन कह सकते हैं आप और तीसरा होता है अल्कोहल या शराब का सेवन करना तो अल्कोहल से क्या होता है डिसिमिनेशन हो जाती है डिसनेशन का मतलब है कि आपके मन में अगर किसी के सामने अपने बॉस के बारे में या किसी रिलेटिव के बारे में अगर आप कुछ गलत सोचते भी हैं तो आप कहेंगे नहीं लेकिन जब हम ड्रिंक कर लेते हैं तो कई बार शादियों में या फंक्शंस में लोग ऐसी बातें कह देते हैं या ऐसा बिहेव कर देते हैं जैसा वो नहीं करते या उन्हें खुद भी समझ होती है तो वो अपने आप को रोक लेते हैं बट क्योंकि उन्होंने अल्कोहल लिया था वो खुद को रोक नहीं पाते तो इसी तरह जब जो डिप्रेस्ड पेशेंट होता है अगर वो अल्कोहल लेता है तो कई बार वो चीज़ें कर गुज़रता है जो वो नहीं करता अगर वो अपनी मानसिक स्थिति के कंट्रोल में हो पाता उससे तो अल्कोहल जो है अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है अगर कोई ऑलरेडी किसी और चीज़ से परेशान है फॉर सुसाइड डिप्रेशन में क्योंकि नकारात्मक विचार आते हैं मेरी ज़िंदगी बेकार है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा कुछ नहीं हो पाएगा आने वाला समय भी अच्छा नहीं होगा तो इस वजह से जो पेशेंट है इस तरफ दौड़ता है और इसमें भी ये देखा गया है कि जब पेशेंट बहुत गहराई वाले डिप्रेशन में होता है तब उसमें सुसाइडल थाट्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं एक्चुअली जब वो ठीक होने लगता है और वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या खो दिया या ठीक होने के दो तीन महीने बाद तक भी ये रिस्क फैक्टर रहता है कि पेशेंट जो है वो सुसाइड कर सकता है क्योंकि उसे लगता है कि मैंने इस दौरान कितनी चीज़ें को खो दिया और उसके बाद स्किजोफ्रेनिया में क्या होता है स्किजोफ्रेनिया में एक मानसिक बीमारी है जिसमें कानों में आवाजें आती हैं अजीब सी दहशत होती है डर लगता है तो उसमें भी उन डर या उस सोच के रहते पेशेंट इस तरह का कार्य कर सकता है और खासकर जब पेशेंट यंग होता है और कई बार ठीक होता है उसको रियलाइजेशन होती है कि उसको कितनी गंभीर बीमारी हो गई है तो या उसकी वजह से उसको क्या नुकसान हो गया उसने क्या हरकतें की हैं जो प्रॉम्प्ट करता है और भी कई चीज़ें हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और डिप्रेशन में थोड़ा फ़र्क होता है डिप्रेशन में हर चीज़ में मन उदास रहता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी ज़िंदगी में हुआ अगर वो हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ और ऐसा हो सकता है आमतौर पर ज़्यादातर लोग एडजस्ट कर लेते हैं बट वो इंसान एडजस्ट नहीं कर पाया जैसे ब्रेकअप हो जाता है अफेयर में तो कई लोग को ऐसा लगता है मानो जिंदगी ख़त्म ही हो गई है तो उसी तरह जैसे बच्चों के रिजल्ट आते हैं और मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते या कम मार्क्स आ जाते हैं हाई परफॉर्मर बच्चा भी फर्स्ट की बजाय अगर थर्ड आ जाता है तो भी उनमें कई बार एडजस्टमेंट करने के लिए परेशानी हो जाती है पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और अच्छी बात है कि अगर कोई फर्स्ट आता है या बहुत सक्सेसफुल होता है बट अगर थोड़े बहुत सेटबैक्स आते हैं तो उसको एडजस्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हमारा अच्छा ही अच्छा होगा अगर इंडियन मै टीम भी क्रिकेट मैच खेलती है और वो बहुत अच्छे पैच में चल रही है फिर भी ऐसा जरूर होगा कि पाँच छः मैचेस के बाद इंडिया को भी हार का मुंह देखना पड़ेगा तो ये प्रैक्टिकल नहीं है जैसे दिन और रात आता है उसी तरह सक्सेस और फेलियर आता है तो अगर हम उसे एडजस्ट नहीं कर पाते तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है सुसाइड के लिए अब जैसे कि हमने कारणों को समझ लिया तो इलाज कैसे इंपॉर्टेंट है और हम इसमें क्या कर सकते हैं एक तो जब भी घर में कोई पेशेंट ऐसा कहता है कि उसके मरने का विचार आ रहा है तो ये एक सीरियस और गंभीर समस्या है और चाहे हमें ऐसा लगे कि वो करने वाला है या नहीं करने वाला है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हमें एक स्पेशलिस्ट की राय ज़रूर लेनी चाहिए खासकर अगर एक उदास पेशेंट अचानक खुश होने लगे और वो इस तरह की बातें करने लगे कि मेरे बाद तुम ये कर लेना वो कर लेना और वो अचानक ही एक दिन बहुत दिनों से दुखी है अचानक ही वो नहा धो के फ्रेश हो जाए तो हो सकता है ही माइट हैव डिसाइडेड कि दिस इज़ एंड ऑफ दिस डे सेकेंड थिंग सुसाइड इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नॉट प्रिवेंटेबल अगर हम उसको एक प्रॉपर मेडिकल इलनेस है उसको ट्रीट करते हैं उसको मैनेज करते हैं उसकी स्ट्रेस को सपोर्ट करते हैं तो उससे भी पेशेंट को काफी फायदा होगा तीसरा लोगों को काफ़ी अजीब सा लगता है कई बार एज ए साइकेट्रिक जब हम पूछते हैं एक डिप्रेशन के पेशेंट से कि आपके मन में कभी ऐसे विचार तो नहीं आते कि आप खुद को नुकसान पहुँचा लें तो कभी भी जब इन बारों इस बारे में पेशेंट से बात की जाती है और वो बात करके मन हल्का हो जाता है तो ये जो विचार है ये कम हो जाएगा ये बढ़ेगा नहीं ऐसा नहीं है कि आप किसी से मरने की बात करेंगे तो एक्चुअली ही विल गो एंड ट्राई टू डू दैट दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली ट्रू इज अगर वो खुल के आपसे बात कर पाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसके जो विचार हैं कम हो जाएंगे बल्कि कई बार सुसाइड कॉन्टैक्ट बनाया जाता है कि पेशेंट जो है अपने डॉक्टर को बताएगा या वो ऐसा नहीं करेगा या फैमिली मेम्बर से शेयर करेगा और खासकर अगर पेशेंट ने कभी सुसाइड नोट लिखा है तो, तो दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ज़िंदगी में ये रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं तो वो दस गुना ज़्यादा पावरफुल आती है अगर हम पॉजिटिव जिंदगी में कुछ चाहते हैं उसको लिखते हैं तो भी वो दस गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और कोई नेगेटिव चीज़ अगर उसके बारे में लिखते हैं वो भी दस गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है समबड़ी इज राइटिंग ए सुसाइड नोट दैट इज़ अ वार्निंग साइन कि एक्चुअली ही इज़ वेरी वेरी सीरियस एक बार तो मैं डर गया था मैंने एक लड़का देखा था पंद्रह सोलह साल का उसने अपने हाथ पर लिखा हुआ था काट के मौत तो उस फिर भी उसकी मम्मी नहीं समझ पाई कि एक साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है वो एक अलग मुद्दा है बट एक्चुअली दैट वॉज रियली वेरी सीरियस मतलब मैं भी एज अ साइकाट्रिस्ट आई ऑल्सो गॉट सरप्राइज की द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव थॉट्स कमिंग टू हिज माइंड तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली एंड इफ वी टेक सीरियसली सोल्यूशन इज अवेलेबल विद दस हम हेल्प कर सकते हैं सो so, अगर हम अब सेकेंड स्टेज आएगी हमने सेकेंड स्टेज पहले चीज़ को समझ लिया कारण भी देख लिए हमने वार्निंग साइंस भी देख लिए हेल्प में फिर एक स्पेशलिस्ट ही हेल्प कर पाएगा और जब प्रॉपर डायग्नोसिस बनेगा उसके हिसाब से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा अल्कोहल है तो उसका स्किजोफ्रेनिया है तो उसका डिप्रेशन है तो उसका कोई ज़िंदगी में स्ट्रेस चल रही है तो उस चीज़ को लेके या कोई सोशल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या जॉब किसी तरह का जो भी काम हो सकता है तो इस चीज़ पे काफ़ी हद तक इसे मैनेज किया जा सकता है बिकॉज़ ये टॉपिक सच में काफ़ी गंभीर है और फैमिली में बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ऐसा घर में हुआ है तो इस उम्मीद के साथ कि ये कुछ लोगों को मदद कर पाएगा इस वीडियो को हम खत्म करते हैं थैंक यू फ्रेंड्स